इलाके के मुजाहरीन को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस ग्रेनेड और पेड़ बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। घेर किया जा रहा है जबकि मुजाहरीन की तरफ से पथराव और आग उगाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ स्टडी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में मौजूद हैं जहां पर एंटी राइड फोर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ये ट्रेनिंग क्या है, ये कैसे करवाई जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। तो आपने एक बार कॉल करके छोड़ देना, ये जो है अफसरान पहले अपने टारगेट पे इस पे करेंगे फायर, उसके बाद आप दोनों ने आगे आ जाना। ये शेल बाज का जो हमारी ये गन है उसमें रिस्क भी हो जाता है, फिर हम दूसरा शेल यूज कर लेंगे। ये बताइए कि आज एंटी रॉयड फोर्स की ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग क्या है, उसको किस तरह से करवाया जाता है? एंटी रॉयड की जो ट्रेनिंग है एक्चुअली ये मॉब हैंडलिंग ट्रेनिंग है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से वायलेंट मॉब्स को कंट्रोल किया जाता है उस हवाले से जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, उन तमाम के हवाले से यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हमारी ट्रेनिंग के जो मेन पोर्शन है वो तीन है। इसमें सबसे पहले फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो कि हमारा जो इक्विपमेंट है जिसमें शील्ड्स बैटन वगैरह को यूज़ करके फील्ड फॉर्मेशंस करवाई जाती हैं। दूसरा इसका ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो टेक्निक्स हैं, जिसमें स्प्लिटिंग फ्रॉम ग्रुप टेक्निक्स हैं और अरेस्टिंग एंड कैरिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें मॉब को कंट्रोल करते हुए अरेस्ट की जाती हैं। और जो तीसरा पोर्शन है वो यूज़ ऑफ नॉन लिथल वेपन्स हैं, जो कि आज आप देख भी रहे थे कि जो मुख्तलिफ नॉन लिथल वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। महफूज साहब, नॉन लिथल वेपन्स की क्या ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है? नॉन लिथल वेपन्स जो हैं जो दुनिया में मॉब हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें पेंट बॉल है, टीयर गैस गन्स हैं, टीयर गैस ग्रेनेड्स हैं, उसके अलावा टीज़र यूज़ किए जाते हैं, ओसी ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं और वाटर कैनन। तो ये तमाम जो नॉन लिथल वेपन्स हैं जो कि आर्जी तकलीफ़ में मुबतला करते हैं लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, तो इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। और फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा बताइए, फॉर्मेशंस कितनी किस्म की होती हैं और किस तरह से करवाई जाती हैं? फॉर्मेशंस जो है एक्चुअली ये यूज़ ऑफ फोर्स है, जो शहरी एहतजाज कर रहे होते हैं और इस दौरान वो कानून हाथ में लेते हैं, तो उनको काबू में करने के लिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करने के लिए बॉडी पावर और मटेरियल पावर यूज़ की जाती है। तो ये फॉर्मेशंस जो है एक्चुअली ये कम्बिनेशन है बॉडी पावर और मटेरियल पावर का, जिसमें शील्ड्स वगैरह यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, जिसमें जो ज़्यादा अहम फॉर्मेशंस हैं वो लाइन फॉर्मेशन है, वी फॉर्मेशन है, सर्कल फॉर्मेशन है और इसी तरह रूफ फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।